नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुनील अड़ोकार में। सो आज हम लोग बात कर रहे हैं इस महिंद्रा स्कॉर्पियो एन के बारे में, जो अपने सेगमेंट की बेहतरीन सी 6 इन 7 सीटर मस्कुलर सेफेस्ट एसयूवी कार। एंड ये आज आप देख रहे हैं स्कॉर्पियो एन का सेकंड टॉप जेडेड वेरिएंट, जिसको आज हम लोग करेंगे डिटेल में कवर। साथ ही साथ बात करेंगे इस कार की प्राइसिंग के फीचर्स के बारे में। तो सबसे पहले स्टार्ट कर लेगा इसकी प्राइसिंग से, तो भाई साहब इसका जो बेस मॉडल रहेगा Z2 13,26,000 से एक्सोरूम में स्टार्ट हो जाता है। एंड इसका टॉप मॉडल भी जाएगा 28 लाख के आसपास तक ऑन रोड लखनऊ। तो भाई साहब जो लोग भी स्कॉर्पियो क्लासिक में फीचर्स को मिस करते हैं ना, तो उनके लिए काफी बड़ा ऑप्शन रहता है इस स्कॉर्पियो एन का, जिसमें आपको सनरूफ, 6 एयरबैग, बड़े से टच स्क्रीन, रिवर्स पार्किंग कैमरा एंड और भी काफी सारे फीचर्स मिल जाते हैं इस कार में। एंड यहाँ पे इसमें इंजन स्पैक भी आपको दोनों मिल जाता है, पेट्रोल लीजिए चाहे डीजल। एंड इसी के साथ साथ आपको इसमें ऑल व्हील ड्राइव का भी ऑप्शन आप देखने को मिल जाएगा, अगर आप ऑफ रोडिंग के शौकीन हैं। तो सारे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं इस कार के साथ। की बात की जाए इस तरह पे देखेंगे फ्लिप स्मार्ट की यहाँ पे देखने को मिलने वाली है इस वेरिएंट के साथ, जिसमें देखेंगे यहाँ पे लॉक अनलॉक बुड़पन के बटन, पीछे रहेगा महिंद्रा का लोगो। अभी आते हैं सबसे पहले इसके फ्रंट ग्रिल की तरफ, यहाँ पर बटरफ्लाई वाला महिंद्रा का लोगो। वर्टिकल शेप में देखते हैं पूरा क्रोम इंसर्ट में इसकी पूरी फ्रंट ग्रिल आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे सेकंड टॉप मॉडल में कोई भी कैमरा नहीं मिलेगा, टॉप में जाएंगे जेडेड लग्जरी में तो वहाँ पे आपको कैमरा भी देखने को मिल जाएगा। हेडलैम्प्स की बात कर ले तो वही ऑटोमेटिक प्रोजेक्टर LED हेडलैम्प का पूरा सेटअप आपको मिलता है। लो बीम के लिए आपको उसमें प्रोजेक्टर्स दिए जा रहे हैं, हाई बीम के लिए हैलोजन्स। एंड नीचे जब यहाँ पे आप देखेंगे ना, तो जो इंडिकेटर्स की प्लेसमेंट यहाँ पे आपको दी गई है, यहाँ पे बम्पर में DRLs की प्लेसमेंट, फॉग लैंप्स वगैरह भी आपको यहाँ पे LED वाले देखने को मिल जाएंगे इस कार के साथ। लोअर ग्रिल वगैरह भाई साहब पूरी ब्लैकआउट रहती है, ब्लैक कलर की। इसकी प्लेट देख रहे होंगे पूरी सिल्वर फिनिश में यहाँ पर रहेगी इस कार में। नीचे क्या रहेगा इसका पूरा फ्रंट इंजन एंड सस्पेंशन सेटअप। ग्राउंड क्लियरेंस की बात कर लेकर इस गाड़ी की, तो 187x187mm का आपको इस कार के साथ ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिल जाएगा। एंड यहाँ पे इसका भी डुअल वाइपर एंड वॉशर की प्लेसमेंट। देन इसके बाद जो भाई साहब स्कॉर्पियो क्लासिक में आपको नहीं मिलता है वो देखेंगे, यहाँ पे रहेगी इसकी इलेक्ट्रिक सनरूफ। इसी के साथ साथ रूफ रेल्स पूरी सिल्वर फिनिश में काफ़ी बड़ी साइज की। अब दिखाते हैं आपको इस गाड़ी की पूरी साइड प्रोफाइल, तो साइड से भी भाई साहब एकदम तगड़ी से लगती देखने में। डायमेंशन की बात कर लेना अगर इस गाड़ी की, तो आपको भाई साहब इसमें 4662 मिलीमीटर की इस गाड़ी की लंबाई यानी कि लेंथ, 1917mm की इस गाड़ी की विथ चौड़ाई एंड 1857mm की इस कार के यहाँ पे हाइट देखने को मिल जाती है। बाकी व्हील बेस वगैरह भी वही मिलेगा 2750mm का। पीछे की तरफ जब आप नजर डालते ना, तो यहाँ पे रहेगा इसका फिल फ्रेक कैप। यहाँ से आप इसमें डीजल फिल कराएंगे तो भाई साहब 57 लीटर फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल जाती है 57 लीटर। एंड ये जो ब्लू वाला देख रहे हैं यहाँ पे पड़ेगा इसमें यूरिया, क्योंकि भाई साहब डीजल गाड़ी तो यूरिया तो यहाँ पे कंपलसरी हो गया है। यहाँ पे एड्रॉनिक्स की बैजिंग, ऊपर जाएंगे तो पूरा देख रहे हैं ना क्रोम गार्निश आपको दी गई पूरा वही बिच्छू के शेप में, जैसा कि भाई इसका नाम है। रियर में देख रहे हैं ना, यहाँ पे आपको उसमें डेस्क ब्रेक्स मिलेंगे, तो भाई साहब ऑल 4 डेस्क ब्रेक्स पड़े जैसे डायमंड कट अलॉयस। क्लाइडिंग वगैरह देखिए ब्लैकआउट, जिसमें आपको सिल्वर भी इंसर्ट देखने को मिल जाएंगे। फुटस्टेप वगैरह हैंडल्स वगैरह सारे मिलते हैं क्रोम फिनिश में। ये रहेगा इसका पूरा डैशबोर्ड कॉफी कलर का लेदर टच, यहाँ पे टच स्क्रीन, डुअल जोन AC, ऊपर जाएंगे सनरूफ, 6 एयरबैग, से काफी सारे फीचर्स रहते हैं इस कार में। ORVM यहाँ पे डुअल टोन में दिया गया है। एंड इसी में यहाँ पे आपको इंडिकेटर्स की प्लेसमेंट इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल एंड फोल्डेबल आपको देखने को मिल जाएंगे, ये देख रहे हैं ना यहाँ पर रहेंगे इसमें इंडिकेटर्स की प्लेसमेंट। और इसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो इसके 18 इंच के बड़े से डायमंड कट अलॉय व्हील्स एंड आगे पीछे सभी में आपको डिस्क ब्रेक्स मिलेंगे चारों में, महिंद्रा का लोगो। टायर प्रोफाइल की बात की जाए 255/60 R18 इंच के यहाँ पर रेडल के टायर आपको ऑफर किए जाएंगे, इतना कुछ यहाँ पे ट्रैवल। ब्लैक कलर की देखेंगे पतली सी यहाँ पे पूरी क्लाइडिंग। अभी चलते हैं इसके बैक प्रोफाइल की तरफ, और इसी के साथ ये देखिए भाई साहब कितनी तगड़ी से लग रही है ना साइड से देखने में हमारी कार, लुक्स वाइज भाई क्या एक गजब की लग रही है हमारी स्कॉर्पियो एन। वारंटी की बात कर ले तो महिंद्रा आपको उसमें 3 साल 1,00,000 किलोमीटर की वारंटी प्रोवाइड कराते हैं इस कार के साथ। बाकी इसके राइवल जानते हैं, सीधा इसका कंपटीशन होता है टाटा सफारी, हुंडई अल्काज़ार, MG हेक्टर जैसी कारों के साथ। लेकिन इसका भी भाई साहब क्या कहना, मस्कुलर लुक्स, एक नंबर के सारे फीचर्स एंड बड़े से 5 स्टार की सेफ्टी रेटिंग मिल जाती है इस कार में। व्हाइट कलर में भी आपको सामने खड़ी, इसके अलावा आपको ब्लैक, रेड, गोल्डन, सिल्वर, डीप ऑरेंज जैसे काफी सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। और अब देखते हैं रियर में क्या कुछ आपको मिलता है। तो सबसे पहले सेंटर में देखेंगे बड़े से नया वाला महिंद्रा का लोगो, जस्ट उसके नीचे यहाँ पर रिवर्स पार्किंग कैमरे की प्लेसमेंट। राइट साइड की तरफ जब आप बढ़ेंगे तो देखेंगे स्कॉर्पियो एन की यहाँ पे बैजिंग दी गई है, और एन का फॉन्ट देखना ना वो रेड कलर में आपको लिखा हुआ दिख जाएगा। LED टेल लैंप्स आपको दी जा रही काफ़ी बड़ी साइज की। तो ये हो गई इसकी बैक लाइट्स। और इसके बाद जब आते हैं इस साइड, तो यहाँ पे देखेंगे इसका रियर वाइपर, डिफॉगर, हाई माउंट स्टॉप लैम्प एंड बड़ा सा यहाँ पे देखेंगे इंटीग्रेटेड स्पॉयलर एंड ऊपर आएगा इसका शाफ्ट एंटीना। ब्लैकआउट इसका पूरा बम्पर यहाँ पे देख रहे होंगे, जिसमें आपको बड़े सा क्रोम ट्रीटमेंट भी आपको ऑफर किया जा रहा है। ये इसकी रहेगी रिवर्स लाइट एंड रिफ्लेक्टर, यहाँ पे टोइंग का ऑप्शन। इतनी बड़ी गाड़ी में भी भाई साहब आपको 2 यहाँ पे रिवर्स पार्किंग सेंसर्स मिलने वाले हैं इस कार के साथ। नीचे का ये पूरा इसका रियर सस्पेंशन सेटअप, इधर देखेंगे इसका स्पेयर व्हील जो आपको दिया जा रहा है नॉर्मल स्टील, चारों आपको मिलते हैं अलॉयस। एग्जॉस्ट पाइप रहेगी यहाँ पे राइट साइड में। तो ये आपने देख ली इसकी पूरी रियर प्रोफाइल। अभी चलते भाई साहब इसके बूट गेट, इसको खोल के देखते हैं। यहाँ पर भी देख रहे हैं ना रिक्वेस्ट सेंसर आपको मिल जाता है इसके लास्ट वाली डोर में।
ये भाई साहब वही स्कॉर्पियो क्लासिक वाला फील देने के लिए इस तरह पर डोर इसकी खुलती है। यहाँ पे इसका डोर ओपनर नीचे देख रहे हैं ना, इसमें आपको हाइड्रोलिक्स मिल जाते हैं तो इजीली खोल पाएंगे। ये भाई साहब थर्ड रो पे फोल्ड, उसके बाद आपको उसमें मिलता है 460 लीटर का बड़े सा बोर्ड स्पेस। अगर आप इसको फोल्ड करके रखेंगे तब आराम से पूरा अपने पे सामान वगैरह रख लीजिए। जब आप इसको स्टैंडिंग पोजीशन में रखेंगे तब कुछ इतना बोर्ड स्पेस मिलेगा, तो भाई साहब 7 सीटर के हिसाब से यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा, तो बोर्ड स्पेस यहाँ पे जैक्स पर कम हो जाएगा। इसको खींच के अपनी सीट यहाँ पे फोल्ड कर सकते हैं। नीचे यहाँ पे पूरा देखेंगे जैक टूल पाना वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पे आपको रखी हुई दिख जाएंगी। इस पर व्हील खोलना है तो यहाँ से आप उसको निकाल सकते हैं। तो ये हो गया यहाँ पे इसका पूरा स्पेस। अभी बैठ के आपको दिखाएंगे थर्ड रो वगैरह का पूरा स्पेस कैसा कुछ आपको मिलेगा इस कार में। तो गाइस अगर आप भी कोई फीचर लोडेड चाह रहे सेफेस्ट मस्कुलर एसयूवी कार 6 और 7 सीटर में, जिसमें भाई साहब आपको फीचर्स के साथ साथ लुक्स भी काफी गजब के मिल जाए, तो आप जा सकते हैं इस कार के साथ। स्कॉर्पियो क्लासिक लवर जितने भी ना उनको भी काफी बड़े ऑप्शन मिल जाएगा अगर स्विच ऑन करना चाह रहे हैं। फीचर्स भी मिल रहे हैं डीजल इंजन के साथ साथ, बढ़िया पेट्रोल भी दिया जा रहा है, जिसमें मैनुअल ऑटोमेटिक एंड ऑल व्हील ड्राइव जैसे काफी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं इस कार में। तो आइए अभी चलते हैं सेकंड रो पे बैठ के देखते हैं इसका स्पेस वगैरह। डोल ट्रिम पूरी डोल टोन में ब्लैक एंड कॉफी फिनिश में आपको दी जा रही है। यहाँ पर देखेंगे तो पावर विंडोज के कंट्रोल ग्लॉसी ब्लैक फिनिश, ऊपर इसका डोर ओपनर, हैंडल वगैरह पूरा ग्रे फिनिश में। यहाँ पे थोड़ा आपको सॉफ्ट टच देखने को मिलने वाला है। नीचे यहाँ पे स्पीकर्स बॉटल मिल जाते हैं कि डोर्स में। सीट्स वगैरह सारी लेदर के यहाँ पे रहने वाली है, कॉफी कलर में ना, यानी डुअल टोन ब्लैक एंड कॉफी कलर, तो भाई साहब गंदी भी होंगी तो आपको पता नहीं चलेगा। ये आगे का इसका पूरा डैशबोर्ड का व्यू, तो अभी आगे चलेंगे तो आपको डिटेल में दिखाएंगे। यहाँ पे इसकी रहेगी सनरूफ। नीचे देखते हैं तो रियर पैसेंजर के लिए बड़ा सा यहाँ पे एसी वेंट्स, यहाँ पे देख रहे हैं आप फैन स्प्रे वगैरह कम ज़्यादा कर सकते हैं, टाइप सी यूएसबी का पोर्ट। स्पेस वगैरह की बात कर लेना, लेग रूम नी रूम वगैरह देख रहे हैं ना, बड़े से आपको मिलने वाला है। थाई सपोर्ट भी सही से रहेगा इस कार का। यहाँ पे देखेंगे ग्रैब हैंडल एंड हुक, रूफ लाइट, यहाँ पे आपको भी वाइट एलईडी वाली बढ़िया से ऑफर की जाएगी इस कार के साथ। ये रहेगा इसका पूरा लास्ट वाले रो का व्यू। अभी बैठ के आपको दिखाएंगे प्रॉपर इसका स्पेस वगैरह। तो आइए बाहर निकलते हैं, लेकिन बाहर निकलने से पहले आपको दिखा दे, ये देख रहे ना एयरबैग्स की ब्रांडिंग आपको मिल जाती है इनके सारे प्लेट्स में। कर्टन एयरबैग, 6 एयरबैग्स आपको मिलेंगे इस कार में। तो अभी चलेंगे इसके लास्ट रो पे, वहाँ पे बैठ के देखते हैं भाई साहब 7 सीटर कार्स में सभी में प्रॉब्लम आती है, इसमें देखते हैं कैसा कुछ स्पेस रहेगा। यहाँ से इस तरह आप इसको बड़े से डंबल फोल्ड कर सकते हैं, इस तरह फोल्ड हो जाएगी, तब यहाँ से आप एंट्री लेंगे पीछे वाली रो के लिए। तो सीट को सबसे पहले यहाँ पे सीधा कर देते हैं फिक्स, ताकि प्रॉपर स्पेस पता चले। ये आगे का पूरा व्यू रहेगा लास्ट वाली रो पे बैठने के बाद। यहाँ पे देखेंगे नी रूम लेग रूम वगैरह भाई साहब एकदम मतलब बच्चों वाला है। यहाँ पे देख रहे हैं थाई सपोर्ट वगैरह भी बच्चों के लायक बैठने यहाँ बनाए गए। ये रहेगी इनकी सीट्स की चौड़ाई, बड़े लोग बैठेंगे मेरे हेड की तो थोड़ा सा कंजेस्टेड हो जाएगा। यहाँ पे अपना खुद भी छोटा मोटा सामान रख सकते हैं। पीछे देखेंगे 12 वोल्ट का चार्जिंग आउटलेट, ये इसकी सीट बेल्ट, ये जो देख रहे हैं ना सनशेड वगैरह पे लगे ना ब्लैक कलर के, तो ये भाई साहब एज एक्सेसरीज यहाँ पे लगाए गए हैं। हैंडल लाइट्स बढ़िया वाइट वाइट एलईडी वाली मिलती है। एंड यहाँ पे लास्ट रो में कोई भी आपको रियर एसी वेंट्स यहाँ पे नहीं मिलेंगे, आई मीन लास्ट रो में। हेडरेस्ट वगैरह सब एडजस्टेबल यहाँ पे रहने वाले सारे इस कार के। तो ये था भाई साहब इसके लास्ट रो का पूरा स्पेस, बच्चे लोग आराम से बैठेंगे। 6 फीट का अगर बंदा बैठ गया ना तो भाई साहब एकदम टच हो जाएगा सीट्स वगैरह में इसके घुटने। इस तरह फोल्ड करके आप निकलते गाड़ी के बाहर, सेम वही प्रोसेस जैसे भाई हम लोग अंदर आए थे। थोड़ा सा लास्ट रो पे जाने के लिए आपको यहाँ पे मशक्कत करनी पड़ेगी, जैसे कि सभी गाड़ियों में रहता है सेम वही चीज़ रहेगी इस कार में भी। अभी सीट को कर देते हैं यहाँ पे इसको सीधा। तो लास्ट रो भी हम लोगों ने अभी इसकी कवर कर ली, सेकंड रो भी हो गई, अभी बची है फ्रंट ड्राइवर साइड वाली। तो इसको बंद करते फिर चलते आगे, वहाँ से पूरा देखते हैं इस कार को। एंड अगर आपको इससे भी एडवांस लेवल के फीचर्स चाहिए तो आप जा सकते हैं महिंद्रा एक्सयूवी 700 के साथ, जहाँ पे आपको उसमें एडवांस से लेकर और भी काफी सारे फीचर्स मिल जाएंगे। तो आइए अभी ड्राइवर सीट की तरफ चलते हैं। यहाँ पे देखेंगे रिक्वेस्ट सेंसर बड़े से स्मार्ट की मैंने आपको दिखाई दी, डुअल ट्रिम अगेन पूरी यहाँ पे डुअल टोन में। उसी तरह पे देखेंगे इसका पूरा डैशबोर्ड का व्यू। डोर से स्टार्ट करते हैं, चारों यहाँ पे पावर विंडोज के कंट्रोल्स, लॉक ऑन लॉक के बटन्स, यहाँ पे आरबीएम एडजस्टमेंट के सारे कंट्रोल्स, डोर हैंडल पूरा ग्रे फिनिश में, उसी तरह डोर ओपनर। नीचे यहाँ पे देखेंगे स्पीकर्स एंड बॉटल का स्पेस मिल जाता है इनकी डोर्स में। ट्विटर्स वगैरह पे ऊपर प्लेस किए गए। एंड सीट्स वगैरह देखेंगे तो ये आपको कॉफी कलर के बड़े लेदर टच में आपको मिलने वाली है लेदर फिनिश में। यहाँ पे मैन्युअली आपको हाइट एडजस्टमेंट एंड सीट रिक्लाइन दोनों ऑप्शंस मिल जाते हैं। लंबर थाई सपोर्ट टॉप में जैसे जाएंगे वहाँ पे इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट मिलती है। यहाँ पे इसका प्लेट ऑटोमेटिक के देखेंगे, इसके ब्रेक एंड एक्सेलेटर के पैडल साइड में रहेगा डेड पैडल। बोनट खोलना तो उसका लीवर यहाँ पे दिया गया है। और यहाँ पे रहेंगे इसके हेडलैम्प एडजस्टर वाले सारे कंट्रोल्स, ये इसका साइड में पुश इंजन स्टार्ट ऑफ बटन। तो आइए बैठते हैं सबसे पहले कार के अंदर एंड सबसे पहले काम ऑन करेंगे इसका इग्निशन। तो यहाँ से ऑन कर लेते हैं, पूरा एनलॉग रहेगा इसका ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, जिसमें काफ़ी सारी चेकलाइट्स वगैरह आप देख पा रहे होंगे। स्टीयरिंग व्हील से अगर इसके स्टार्ट किया जाए तो यहाँ पे देखेंगे महिंद्रा का बड़े सा बटरफ्लाई वाला लोगो। इस साइड यहाँ पे आपको उसमें MID एंड क्रूज कंट्रोल देखने को मिल जाते हैं राइट साइड में। लेफ्ट साइड में देखेंगे टेलीफोनिक इंफोटेनमेंट के सारे कंट्रोल्स। सो इसके बाद आते हैं इसके अनलॉक इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की तरफ।
तो लेफ्ट साइड में देखेंगे यहाँ पे इसका आरपीएम मीटर, राइट साइड में आपको मिलता है इसका स्पीडोमीटर 220 के यहाँ पे मार्किंग, बीच में इसकी एमआईडी स्क्रीन, इसमें देखेंगे टीपीएमएस, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम से लेकर और भी काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन रहेगी, ट्रिप एवरेज माइलेज रेंज जैसी। ये देख रहे हैं ना आप, कार इन्फो हो गया, इसी के साथ नेविगेशन सेटिंग अलर्ट, मतलब ये काफ़ी सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी जिसको आप अपने हिसाब से देख सकते हैं सारी चीज़ें। तो ये होगी इसकी एमआईडी स्क्रीन एंड इसी के साथ साथ यहाँ पे देख रहे हैं ना एवरेज रेंज वगैरह, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको इसमें शो हो जाएगी। इस साइड यहाँ पे आपको फ्यूल गेज वाले बार्स, इधर मिलेंगे टेम्परेचर वाले सारे बार्स। ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स है तो यहाँ पे उसके कंट्रोल्स, यहाँ पे जाएंगे तो वाइपर्स के कंट्रोल्स, ये भी आपको ऑटोमेटिक यहाँ पे दिए जा रहे हैं, रेन सेंसिंग वाइपर्स। एडजस्टमेंट यहाँ पे देख लेते हैं स्टीयरिंग का, तो ये यहाँ पे आपको उसमें टिल्ट एडजस्टेबल देखने को मिल जाएगी इसकी, ये स्टीयरिंग व्हील, ये इसका पूरा सेंटर कंसोल का यहाँ पे व्यू, ये स्क्रीन देख रहे हैं भाई सब टच इन्फोटेनमेंट सिस्टम, ये आपको 8 इंचेस के यहाँ पे दी जा रही है जिसमें चार स्पीकर्स वगैरह रहेंगे। कनेक्टिविटी वही आपको उसमें एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कार पे यूएसबी ऑक्स वाली देखने को मिल जाएगी। ये काफ़ी सारे एप्लीकेशंस, कुछ भाई साहब यूजफुल है, कुछ तो ऐसे ही भर दिया, ओमेटो जोमेटो पता नहीं कौन कौन से एप्लीकेशन यहाँ पर रहेंगी। कनेक्टिविटी आपको सारी मिली जा रही है, ब्लूटूथ यूएसबी ऑक्स एंड्रॉइड ऑटो जो भी करिए। रिवर्स पार्किंग कैमरा देखिए एवरेज से दिएगा भाई साहब, गाड़ी के हिसाब से थोड़ा इसको यहाँ पे इंप्रूव करना चाहिए, मतलब थोड़ा और क्लियर यहाँ पे विजिबल होना चाहिए इसका कैमरा। एंड यहीं पे अगर आप इसके टॉप मॉडल जेडेड लग्जरी में जाते हैं ना, तो वहाँ पे आपको सोनी के बढ़िया 3D वाले साउंड स्पीकर साउंड सिस्टम वगैरह आपको देखने को मिल जाएगा, वहाँ पे और भी काफ़ी सारे फीचर्स एड ऑन हो जाते हैं। तो चलिए अभी देखते हैं और क्या कुछ रहेगा इस गाड़ी के साथ। यहाँ पे इसके बटन्स रहेंगे शॉर्टकट वाले, ये इसका डुअल जोन फुल्ली ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल डुअल जोन आपको यहाँ पे एसी मिलने वाला है। नीचे है हेडलाइट का स्विच, आइडियल स्टार्ट ऑफ वाला बटन, साइड में देखेंगे SOS हो गया, इधर आएंगे ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल डिसेंट कंट्रोल, यहाँ पे ड्राइव मोड्स, ये देख रहे हैं ना जीप जैप जूम इस तरह करके भाई अजीब गरीब यहाँ पे नाम रहने वाले इसके ड्राइव मोड्स के। तो ये आपने देख लिया अपने हिसाब से ड्राइव मोड्स, यहाँ पे दो दो USB के पोर्ट दिए गए, यहाँ पे एयरबैग ऑन है कि ऑफ है उसकी इन्फॉर्मेशन, सीट बेल्ट्स वाली यहाँ पे फोन वगैरह रख सकते हैं। एंड ये रहेगा इसका 6-स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, दो ग्लास होल्डर्स एंड मैनुअल यहाँ पे देखेंगे, इसके हैंड ब्रेक, आर्मरेस्ट, बढ़िया सा लेदर टच, ऊपर भी कॉफी कलर वाला लेदर फिनिश, यहाँ पे छोटा मोटा स्पेस रहेगा इसके आर्मरेस्ट में, अपना यहाँ पे खुद भी छोटा मोटा सामान रख सकते हैं। इसको भी करते हैं बंद, डोर ट्रिम इधर की, तो भाई साहब डोर ट्रिम हो या आगे का डैशबोर्ड पूरा डोर ट्रिम में रहेगा ब्लैक एंड कॉफी कलर में। ये देख रहे हैं ना यहाँ पे हल्का सा लेदर टच पूरा आपको दिया गया है। ग्लव बॉक्स खोलेंगे तो ये आपको कूल्ड यहाँ पे लाइट्स के साथ देखने को मिल जाएगा। विजिबिलिटी देखिए भाई साहब, बोनेट वगैरह विजिबल हो रहा है, एकदम बम्पर टू बम्पर ड्राइव करेंगे बड़े से इस कार को। ऊपर आते तो मैन्युअली एडजस्टेबल इसका IRVM, यहाँ पे सनग्लास होल्डर, ये रहेंगे इसके यहाँ पे रूफ लाइट, वही बढ़िया वाइट LED आपको दी जा रही है। एंड ये यहाँ पे माइक देगा बात बात करने के लिए। बाकी यहाँ पे सनरूफ के कंट्रोल्स, इसको भाई साहब खोलेंगे, सनरूफ तो भाई साहब इसकी फेमस है, एकदम ट्रेंड में चली गई थी कुछ टाइम पहले, तो ये इलेक्ट्रिक सनरूफ आपको देखने को मिल जाएगी यहाँ पे स्कॉर्पियो N में। इधर सनवाइजर को खोलते हैं तो यहाँ पे भाई साहब वैनिटी मिरर लाइट्स वगैरह भी आपको देखने को मिलने वाली इस कार के साथ। और ड्राइवर साइड यहाँ पे रहेगा इसमें टिकट होल्डर। तो यही था महिंद्रा स्कॉर्पियो एन के जेडेड डीजल ऑटोमेटिक वेरिएंट के अंदर का पूरा डैशबोर्ड, सारी चीज़ें आपने देख लिया एक्सटीरियर से लेकर इंटीरियर तक। तो इससे अगर आपको और ज़्यादा फीचर चाहिए तो आप इसके टॉप मॉडल में जा सकते हैं। तो ऑफ करते हैं इसके इग्निशन को और फिर बात करते हैं इस कार के इंजन स्पेक प्राइसिंग फीचर्स के बारे में। सबसे पहला काम डोर को यहाँ पे करते बंद, तो ये आप इसका देख रहे बड़े सा 2.2 लीटर 4 सिलेंडर एमहॉक डीजल इंजन ऑप्शन एंड ऑटोमेटिक वारंटी, तो आपको इसमें 172 BHP की पावर एंड 400 Nm का पे टॉक देखने को मिल जाएगा। समथिंग भी मान के चलिए 15 से 16 KML का माइलेज इस कार के साथ। पेट्रोल में जाएंगे तो वहाँ पे आपको 2000 CC का मिलता है पेट्रोल इंजन ऑप्शन, उसमें आपको 200 BHP की पावर एंड वही मिलेगा समथिंग 300 Nm का टॉक इस कार के साथ। प्राइसिंग की बात कर ले अगर इस जेडेड डीजल ऑटोमेटिक वारंटी, तो आपको पड़ने वाला है 20,48,000 एक्सरूम एंड 23,85,000 के आसपास जाएगा ऑन रोड लखनऊ। सेफ्टी फीचर्स में आप जानते हैं इसमें ABS विद EBD, 6 एयरबैग, रिवर्स पार्किंग कैमरा, रिवर्स पार्किंग सेंसर, स्पीड डिलर सिस्टम, ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल डिसेंट कंट्रोल, TPM में जैसे आपको उसमें काफ़ी सारे फीचर्स यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। तो यही था आज का हमारा वीडियो इस महिंद्रा स्कॉर्पियो एन के सेकंड टॉप मॉडल पे। एंड अगर आपको इसके अलावा इसके टॉप मॉडल या लो रेंट किसी का भी वीडियो देखना हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को विजिट करके देख सकते हो। शुक्र आज का मेरा वीडियो पसंद है तो प्लीज वीडियो को लाइक जो कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।